दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। आपके पति के तो ज्यादा नंबर वाले चश्मे लगे हुए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सीमा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। उसके ससुराल में जेठ, जेठानी व 2 ननदे हैं। दोनों ही ननदे शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रहती थी। जेठ जेठानी भी अलग रहते थे। उनका मकान पिछली गली में ही था। सास ससुर सीमा के साथ ही रहते थे। सीमा के सास ससुर बुजुर्ग थे और अक्सर बीमार रहते थे। सीमा घर के काम के साथ साथ उन दोनों का भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती थी। एक दिन शाम के समय उसके सास ससुर बाहर गए हुए थे। उसकी जेठानी सीमा से मिलने आई। सीमा ने उन्हें बैठाया और उनके लिए साय ले आई। साय पीते हुए सीमा ने कहा, दीदी आप तो आते ही नहीं हो, मेरा बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का, तो तू आ जाती ना रमन के साथ। तुझे तो पता है ना, मुझे तो बच्चों में फुर्सती नहीं मिलती, तुम तो अभी फ्री हो इन सब से। अरे नहीं दीदी, मुझे भी इतनी फुर्सत कहाँ, घर का काम और फिर माँ पिताजी भी बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल भी तो करनी पड़ती है। कोई बीमार बीमार नहीं है, वे सब नाटक करते हैं। बीमार होते तो यूं बाहर घूमने जाते। नहीं दीदी, आपको तो पता है ना दोनों को ही कितना हाई बीपी व शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम सैर करने के लिए कहा है। काम ना करने के बहाने हैं ये इनके। अम्मा के इसी काम सोरी से तंग आकर ही तो मैं अलग हुई थी, तू भी संभल जा। फिर ना कहना, दीदी ने समझाया ना था, कहा वहां चली गई। सीमा को अपनी जेठानी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन छोटी होने के कारण उसने ज्यादा बोलना उचित ना समझा। शाम को जब उसके पति आए तो उसने उन्हें सारी बातें बताई। ये सुन रमन ने कहा, सीमा मैं ज्यादा क्या कहूँ इस बारे में, तुम खुद समझदार हो और देख ही रही हो माँ पिताजी की हालत। बस मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जब हमें भैया भाभी की जरूरत थी, वह उन्हें बीमारी की हालत में छोड़कर चले गए। माँ किसी तरह घर का काम करती थी। जब वह ज्यादा बीमार हो जाती तो खाना भी ना बना पाती। उस समय मैं ही खिचड़ी बना देता था। जितना हो सकता था मैं उनकी मदद करवाने की कोशिश करता। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम अभी नहीं हो, समय के साथ सब समझ जाओगी कि कौन सही है और कौन गलत। अब अक्सर सीमा की जेठानी जब तब उससे मिलने आ जाती और वहीं कभी सास की तो कभी ससुर की बुराई करती, लेकिन सीमा अब उसकी बातों पर ज्यादा कान ना धरती थी। एक दिन उसकी जेठानी आई तो सीमा पूजा करके ही उठी थी। ये देख वह बोली, अरे सीमा आज तो तूने बहुत देर से पूजा की, क्या लेट उठी थी आज? नहीं दीदी, उठी तो समय से ही थी, पर आज पूरे घर की साफ सफाई करने लग गई थी इसलिए देर हो गई। वैसे सुबह की पूजा तो आपके देवर ही कर जाते हैं, लेकिन आज इनको भी जल्दी ऑफिस जाना था। अरे ये कब से पूजा पाठ करने लगा, पहले तो कई कई दिन तक नहाता भी ना था।
उसकी जेठानी हंसते हुए बोली, एक बात कहूँ सीमा, बुरा मत मानना, तेरे माँ बाप ने तेरे साथ सही नहीं किया, तो कितने गोरी व सुंदर हैं और हमारे देवर का रंग तो काला है ही, ऊपर से चश्मा भी लगा है, तुझे पता है उसके चश्मे का नंबर ज्यादा है, बहुत कमजोर है उसकी आंखें, धोखा हो गया तेरे साथ, बुरा लगता है मुझे, सोस सोस कर। सीमा की जेठा ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए बोली, आप इतने बड़े होकर भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो दीदी, इंसान की सुंदरता उसके रंग रूप में नहीं गुणों से आंकी जाती है, आपके देवर कितने गुणी हैं ये तो आप भी मुझसे बेहतर जानती हो, अपने शिक्षा व गुणों के कारण समाज के लोग व सभी रिश्तेदार इनका कितना आदर करते हैं देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे माता पिता ने मुझसे कोई धोखा नहीं किया, उनकी पार की नजरों से इनके गुण देखे हैं, रंग रूप नहीं। अच्छा आप ही बताओ दीदी, आप एक बेटी की माँ हो, आप उसके लिए कैसा वर पसंद करोगी, जो सुंदर तो हो लेकिन एवदार हो या जो सुंदर भले ही ना हो लेकिन गुणवान हो। वैसे जहाँ तक चश्मे की बात है तो चश्मा तो आजकल पढ़े लिखे लोगों की निशानी समझा जाता है, हाँ मुझे ये तो नहीं पता कि चश्मे का नंबर कम है या ज्यादा या इनकी आंखें कितनी कमजोर हैं, अब इन बातों का मेरे लिए कोई मतलब भी नहीं, वैसे पता सल भी जाए तो भी इस जन्म में तो मैं आपके देवर को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं, सीमा हंसते हुए बोली। सीमा की बातें सुन उसकी जेठानी भी उसके साथ खिसियानी हंसी हंस दी, वह समझ गई थी कि यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं। उस दिन के बाद उसने सीमा के सामने इस तरह की उल जलूल बातें करनी बंद कर दी। इस तरह सीमा ने अपनी समझदारी से अपने सभी रिश्तों को संभाल लिया था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।